हेलो फ्रेंड्स, दिस सेट अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अगेन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, मतलब यार आपको भी पता, वो एक अलग लीग का ही कॉलेज है। मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नीडेड है, वो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, जिसके व्यापे को कि यार देखो उस कॉलेज को सब जानते हैं, जो यार बड़ा कॉलेज के बारे में क्या ही मैं बताऊं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। आज हम उसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और ही बहुत डिसेंट कॉलेज के बारे में। मतलब अगर कोई बंदा अगर प्राइवेट कॉलेज प्लान करता है तो डेफिनेटली उसके बकेट लिस्ट में ये कॉलेज होता है। बहुत ही डिसेंट एंड पॉपुलर कॉलेज है मैनेजमेंट का। कॉलेज का नाम है ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम इस कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं, 2004 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। इसके इंडिया में दो जगह पे कैंपस है, एक आपका मेन कैंपस है चेन्नई, सेकेंड कैंपस है गुरुग्राम। अगर मैं बात करूं कि कोर्सेज कौन सा ऑफर करता है, पीजीडीएम प्रोग्राम ये कोर्स ऑफर करता है। एक्रेडिटेशन की बात करूं तो आपका एएमबीए, जो कि नॉर्मली मैंने बताया था कि आपका ये आपका जिम गोवा के पास भी एक्रेडिटेशन है, एएमबीए का एक्रेडिटेशन, यूके एसए क्यूएस का एक्रेडिटेशन एंड एएमडीआईसीए, इन सब का एक्रेडिटेशन भी इसके पास है, इस कॉलेज के पास। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं ओवरव्यू के बारे में, दो कैंपसेज, 4 इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेज, 5 कोलैबोरेशन विथ लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। जैसे देखिए क्या होता है, यहाँ पे चलता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, डोमेस्टिक भी चलता है इंटरनेशनल भी चलता है। उसके लिए इसके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडिया के एज वेल एज एब्रॉड के, इनके साथ इनका टाई अप है। 9 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 25 प्लस ग्लोबल विजिटिंग फैकल्टी फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एल यूनिवर्सिटी लंदन की इसके फैकल्टीज, 25,000 फैकल्टीज आते हैं यहाँ ग्रेट लेक्स पढ़ाने के लिए। इसके बाद बात करो 100 प्लस इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे एज अ गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं। 12,000 से ज्यादा का एलुमनाई नेटवर्क है इस कॉलेज के पास। अगर मैं बात करूं ग्लोबल टाई अप की इस कॉलेज के, तो शिकागो की यूनिवर्सिटी का इसका टाई अप है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का टाई अप है, बैब्सोन यूनिवर्सिटी का टाई अप है, एसकेएमआई यूनिवर्सिटी के साथ इसका टाई अप है। इसके बाद 70 प्लस इंडस्ट्री के जो कॉर्पोरेट से जो ट्रेनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर बेसिकली क्या होता है, किसी कंपनी का मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, वो एज अ यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेनर इस कॉलेज को विजिट करता है। 50 प्लस फुल टाइम फैकल्टीज है, 25 प्लस इंटरनेशनल विजिटिंग फैकल्टीज है। अगर मैं इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, 19,95,000 की फीस है इंक्लूडिंग हॉस्टल। हॉस्टल मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं ट्यूशन फीस की बारे में बात करूं, ट्यूशन फीस 14,10,000 का है, बट अगर आप हॉस्टल कैंपस के अंदर लेते हो तो आपको कम से कम 20,00,000 रुपए का पड़ जाएगा। हॉस्टल थोड़े महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो इस वजह से आपके ऊपर डिपेंड है, हॉस्टल ना तो लो मतलब। बट अगर मैं ट्यूशन फीस के बारे में बात करूं, 14,10,000 यहाँ पे एनआरआई कोटा की भी सीट अवेलेबल है। अगर आप एनआरआई है तो आप वहां पे $26,500 की फीस पे करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करूं, कैट सबसे बड़ा बेनिफिट इस कॉलेज में क्या है कि ये इस साल का भी कैट एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करता है और पिछले साल का भी करता है। जेट इस साल का भी करता है, पिछले साल की भी। अगर आपने 2023 में भी जेट पास किया हुआ है, पिछले साल 2022 में, तो वो भी स्कोर अगर उसमें पर्सेंटेज आपके अच्छे, तो वो स्कोर एक्सेप्ट करके अप्लाई करके ले सकते हो। अगर आपने कैट 2022 में अच्छी परसेंटेज लाया, इस बार नहीं आ पाया, तो भी आप ग्रेट लेक्स ले सकते हो। इसके अलावा ये जीमैट भी अप्लाई करता है एंड सीमैट भी आपके एक्सेप्ट करता है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के हाईएस्ट प्लेसमेंट की, 25.80 लाख इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। एवरेज प्लेसमेंट 13 लाख के करीब में है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, कॉलेज बेटर है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि भाई अगर आपके मान लो इस बार अपने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं आया, लेकिन आपके पिछले बार, क्योंकि हर बच्चा ड्रॉप लेता है, ड्रॉप लेके करता है, मोस्टली बच्चे करते हैं, मान लो इस बार आपके नहीं आए पर्सनल अच्छे, लेकिन लास्ट ईयर आए थे, तो उसके व्याप पे आप अप्लाई करो। आप अगर आप जीडीपीआई क्लियर कर लेते हो, जो कि नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होता है हर कॉलेज का, तो उसके व्याप पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बाकी आपको और डिटेल चाहिए कि एडमिशन प्रोसेस कैसे ले सकते हैं, किस तरह से जीडीपीआई होता है, फॉर्म अप्लाई करने में कोई इशू है, कब तक फॉर्म की लास्ट डेट है, मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है कॉल कर लीजिए, मैं आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस की आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके माइंड में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।